दोस्तों, आज मैं आपको एक नई जानकारी बताना चाहता हूं जो दोपहिया वाहन चालकों के लिए बहुत आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा 1 अक्टूबर 2022 से दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट को अनिवार्य कर दिया गया है। आप जब भी अपने घर से बाहर निकलें, चाहे आप मोटरसाइकिल पर हों, स्कूटी पर हों या फिर जो भी दोपहिया वाहन पर हो, उपयोग जरूर करें। हेलमेट का उपयोग जरूर करें क्योंकि आपसे ही आपका परिवार जुड़ा हुआ है। कई बार आपने देखा भी होगा और सुना भी होगा, जो हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं, सड़क दुर्घटना पर उनकी जान चली जाती है, जिससे उनके परिवार वालों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और कई वीडियोस भी आपने ऐसे देखे होंगे जो हेलमेट का उपयोग किए हैं, उनका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, तो हेलमेट की वजह से उनकी जान बच जाती है। आपकी जान आपके परिवार के लिए बहुत कीमती है, इसलिए आप रोड पर जब भी निकलें हेलमेट का उपयोग जरूर करें। और जबलपुर हाईकोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, आप लोग गौर से सुनिएगा क्या क्या निर्देश दिए हैं। नंबर एक, समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारी प्राइवेट कार्यालय में प्रमुख पत्र ले किया जाकर सभी कर्मचारियों को हेलमेट धारण करने संबंध में लिखित निर्देश जारी किया गया है। हेलमेट धारण न करने वाले के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करते हुए कार्यालय में प्रवेश निरुद्ध बाबत सख्त हिदायत दी गई है। जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो प्राइवेट कर्मचारी हैं जो कार्यालय में जाते हैं, उनके लिए सख्त निर्देश दिया है। जो हेलमेट का यूज़ नहीं करेंगे तो उनको उनकी प्रवेश निरुद्ध कर दिया गया है। तो और दूसरा है इसमें, सभी स्कूल कॉलेजों के प्रधान अध्यापक प्रधान आचार्य सभी छात्र छात्राओं अभिभावकों कर्मचारियों को निर्देश करें कि वह बच्चों को स्कूल कॉलेज से लेकर आते जाते समय हेलमेट आवश्यक रूप से धारण करें। हेलमेट धारण न करने वाले अभिभावकों एवं छात्रों को शिक्षक संस्थानों में प्रवेश निरुद्ध करने बाबत सख्त हिदायत दी गई है। स्कूल कॉलेज के जो छात्र हैं और जो अभिभावक हैं, जो अगर हेलमेट का उपयोग नहीं करते हैं तो उनको भी प्रवेश नहीं दिया जाने का ऐसा आदेश पारित किया गया है। नंबर तीन पर है, सभी पेट्रोल पंप फ्लैक्सिक बैनर के माध्यम से सभी दोपहिया वाहन चालकों एवं हेलमेट धारण न करने के लिए पाबंद, साथ ही पेट्रोल की आपूर्ति के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट धारण न करने पर ही पेट्रोल वितरण करेंगे, सख्त हिदायत दी गई है। आप लोग जब भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो सख्त आदेश आ गया है कि बिना हेलमेट आपको पेट्रोल नहीं दिया जाएगा, इसलिए जब भी पेट्रोल डलवाने जाएं हेलमेट का उपयोग जरूर करें। नंबर तीन। नंबर चार, स्थानीय निकाय जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम एवं कंटेनमेंट बोर्ड के माध्यम से ठेकों पर वाहनों की पार्किंग व्यवस्था दी जाती है, जहां यात्रीगण बिना हेलमेट धारण किए हुए आकर पार्किंग में लगाते हैं। हेलमेट धारण न करने पर भी उनको पार्किंग सुविधा दी जा रही है। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, जब आप पार्किंग करते हैं गाड़ी, तो आपकी पार्किंग भी तब की जाएगी आपकी गाड़ी में जब आप हेलमेट धारण किए होंगे। और नंबर पाँच पर आपको बताते हैं, जिले में संचालित ऑटोमोबाइल शॉप पर बैनर फ्लेक्सिक के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार प्रसार किया जावे। वाहन के विक्रय के समस्त सभी क्रेताओं को हेलमेट धारण करने के उपरांत ही शोरूम से जाने के निर्देश किए जावे। जब भी कोई ऑटोमोबाइल्स पर बाइक खरीदने जाता है तो उसको जाने की परमिशन तब दी जाएगी, जब वो गाड़ी खरीद लेगा तो उसको जाने की परमिशन तब दी जाएगी जब वो हेलमेट धारण कर कर जाएगा, तब उसको जाने की परमिशन दी जाए, ऐसा आदेश दिया गया है। नंबर छठवें पर है, समस्त होटल ढाबा रेस्टोरेंट मॉल आदि स्थानों पर फ्लैक्स एवं बैनर के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार प्रसार करें। हेलमेट धारण न करने वालों को वाहन चालकों को उपरोक्त स्थान पर प्रवेश वर्जित किया जाने के बारे में सख्त आदेश दिए हैं। होटल ढाबों पर भी आदेश दिया है कि होटल ढाबे जो भी हैं वो भी प्रचार प्रसार करें कि आप लोग हेलमेट का उपयोग करें। और नंबर सात पर है, जिले के डायल 100 एवं शहर में लगे हुए PAVN सिस्टम के माध्यम से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार उद्घोषणा करें। जिले में जो भी डायल 100 चल रही है और PA सिस्टम और जो VMS सिस्टम लगे हैं उनके माध्यम से आप लोग जनता को जागरूक करें, ऐसा आदेश दिया है कि वो हेलमेट का उपयोग जरूर करें। नंबर आठ पर है, जिले के प्रत्येक थानों के बीच एवं PA सिस्टम
किराए पर लिया जाकर आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के संबंध में लगातार व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे। जो भी संबंधित थाने हैं पीए सिस्टम आदेश दिया कि पीए सिस्टम लगाकर प्रचार करें एवं जनता को जागरूक करें, जिससे कि जनता हेलमेट का उपयोग करे और दुर्घटनाओं से बचे। और नंबर 90 पर है जिला आबकारी विभाग द्वारा संचालित लाइसेंसी शराब की दुकानों पर एवं हाट बाजार में पार्किंग स्थानों पर भी हेलमेट धारण करने के संबंध में प्रचार प्रसार करें। आबकारी विभाग को भी आदेश जारी किया है कि जो भी शराब की दुकानों पर जाते हैं फ्लेक्सिक बैनर के माध्यम से सभी को जागरूक करें, उनको बताएं कि आप लोग हेलमेट का उपयोग करें। और नंबर 10 पर है स्थानीय टीवी चैनलों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से दोपहिया वाहन चालकों को आवश्यक रूप से हेलमेट धारण करने के लिए बाध्य किए जा रहे हैं। जितने भी प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उनको भी आदेश दिया गया है, ऐसा निर्देश निकाला है माननीय उच्च न्यायालय ने कि सभी लोग अपने प्रचार प्रसार में, अपने मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सभी को जागरूक करें और सभी को हेलमेट लगाने के लिए बाध्य करें। तो ये 10 निर्देश थे माननीय उच्च न्यायालय के। तो आप सभी लोगों से, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से भी निवेदन है कि आप लोग हेलमेट का उपयोग जरूर करें, आप सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, खुशहाल रहेगा। धन्यवाद।